कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। मॉल, सिनेमा हॉल समेत जिम समेत कई संस्थानों को 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश। कोरोना 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 हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, जहां देखो वहां कोरोना। हॉस्पिटल से लेकर पुलिस विभाग, जिला सचिवालय से लेकर मॉल, सब जगह कोरोना का डर। सबको हिदायत दी जा रही है कि कोरोना से बचकर रहें। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह बंद करने के आदेश दे दिए हैं। उन सब कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है जहां भीड़ इकट्ठी होनी थी। करनाल में भी प्रशासन के आदेश के बाद मॉल बंद कर दिया गया है। करनाल में एकमात्र मॉल है जिसको कोरोना वायरस के डर से प्रशासन ने बंद करवा दिया है। मॉल की सभी दुकानें बंद करवा दी गई हैं। इसके साथ साथ मॉल के अंदर जो सिनेमा हॉल था उसे भी 31 मार्च तक बंद करवा दिया गया है। सिनेमा हॉल के मैनेजर का भी कहना है कि सरकार के आदेश के बाद हमने हॉल बंद कर दिया है और जो सरकार का अगला आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। बहरहाल कोरोना वायरस को लेकर लोगों में डर और भ्रांतियां तो काफ़ी हैं, इसको लेकर लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। कोरोना वायरस महामारी घोषित हो गई है और प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता है। जो देश भर में कोरोना वायरस फैला है अपने हरियाणा और करनाल में, क्या आपको आदेश हुआ है और क्या आप द्वारा किया जा रहा है? देखिए सर, जैसे ये महामारी इसको घोषित करने वाला हरियाणा पैदा राज्य था, तो कलेक्टर साहब ने और गवर्नमेंट ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की सब कुछ देखने के बाद कि कितना इसका विक्टिमाइजेशन हो सकता है और कितना फैलाव हो सकता है। तो सब प्रिकॉशंस लेने के बाद कल रात को शायद कैबिनेट की मीटिंग हुई, जो रात को हमें मैसेज आया था कि सिनेमा मॉल क्लोज रहेंगे, क्योंकि एक वायरस इन्फेक्टेड कोई भी पर्सन है वो सभी जगह टच कर तो जाता है, टिकट लेके जाएगा, सिक्योरिटी पॉइंट में भी आएंगे, वो कैंटीन में कुछ भी लेते हैं तो उसका इन्फेक्शन फैल सकता है। तो उसका प्रिकॉशन भी लेते हुए हमारी कंपनी ने भी उसका एक्सेप्ट किया है, गवर्नमेंट के नॉर्म से वो हमें कंप्लाई करने पड़ते हैं। तो उस बिहार पे हमने अपना सेफ्टी फीचर्स, कस्टमर की सेफ्टी फीचर और एम्प्लॉई की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने अभी सिनेमा 31 तारीख तक, जो कि मार्च की 31 तक वैलिड है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, तब तक हम इसको जारी रखेंगे। उस दौरान हम अपने सिनेमा प्रीमिसेस को पूरा सैनिटाइजेशन प्रॉपर हमारी टीम करती रहेगी और टाइमली सेफ्टी प्रिकॉशंस हम रखते भी हैं। तो सर, नेक्स्ट जो भी डिसीजन गवर्नमेंट का आता है कि ओपन करना है, कब से करना है, उसके बिहार पे हम एक नोटिफाई करेंगे, नोटिफिकेशन अपने कस्टमर्स। सर, आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके कस्टमर हैं उनको? कस्टमर्स को सर संदेश ये देना चाहेंगे कि एक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन है, जो उन्होंने बताया गाइडलाइंस है, कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। किसी को इन्फेक्शन है या नहीं है वो बाद की बात है, पहले खुद को सेफ करके चलना है। बार बार हाथ धोने हैं, हर 1.5-2 घंटे में हाथ धोते रहो, क्योंकि हवा में किसी के कोई किसी ने कुछ टच किया है उसमें हो सकता है, तो जर्म्स रहते हैं, इसलिए हाथों को प्रॉपर साफ करें और जितना हो सके घर पे ही रहें। किसी की वजह से सब कुछ सेफ तभी रहेगा जब हम आपस में अवेयर रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र अविनाश।